मेरा यानी कि साबिता ठाकुर का आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम देश डायरी में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ देश दुनिया की कुछ खास हलचलें जो आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखती हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको बताते हैं खेती बाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हेल्थ, एजुकेशन और न्यू इन्वेंशंस के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि क्या है ख़ास। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने किसानों के लिए अपनी मौसम सलाह सेवा में बदलाव की योजना बनाई है। विभाग मॉनसून के आगमन और प्रगति के आधार पर अपनी सलाह सेवा को हर जिले के अलग अलग फसल वर्ष से जोड़ने जा रहा है। इस सलाह सेवा के तहत उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं और बारिश के आधार पर ये सूचना भी मुहैया कराई जाएगी कि कौन सी फसल बोई जानी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक मौसम विभाग की ग्रामीण कृषि मौसम सेवा यानी कि GKMS के तहत संशोधित सलाह आगामी खरीफ सीजन में शुरू हो सकती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पहले से ही परिवर्तनशील फसल वर्ष का मॉडल तैयार कर चुका है। इंस्टीट्यूट ने इसे 2015 में देश के 22 राज्यों के 25 जिलों के लिए तैयार किया था। ये मॉडल 30 साल के फील्ड परीक्षण के नतीजों का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। ये मॉडल चावल, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, सरसों और कपास के लिए तैयार किया गया है। इसमें ये भी निर्देश दिए जाएंगे कि बागवानी और फूलों की खेती जैसे ऊंचे दामों वाली फसलों के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। देखा जाए तो देश में बारिश कृषि जलवायु क्षेत्र और जिलों में अलग अलग होती है। सूचना का प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो ये सुनिश्चित करने के लिए मौसम विभाग ने भारतीय डाक के साथ करार किया है, जिसमें कृषक परिवार के मोबाइल नंबर का डेटाबेस बनाया जाएगा। डाक विभाग सूचनाएं जुटाएगा और उसे एक साझा वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल मौसम विभाग किसानों को सलाह भेजने में करेगा। फिलहाल ये सेवा मुफ्त में देने की योजना बनाई गई है। इन सलाह सेवाओं की प्रदर्शनी देश भर के डाकघरों में की जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को दिए जाने वाले कृषि उपकरणों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत अब अलग अलग कृषि उपकरणों की उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन आवेदन पर मिल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख भोपाल से होगी। कृषि विभाग के अनुसार ये प्रक्रिया इन्होंने अपनी योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही बीज और दवाइयों पर मिलने वाली सब्सिडी भी अब सीधे खाते में जमा होगी। कृषि विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होते ही किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि कृषि उपकरणों के लिए किसान किसी भी कियोस्क सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं और इन आवेदनों को लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा, जिसके बाद विभाग उन उपकरणों की उपलब्धता तय पैमाने और मूल्य पर करेगा। इसके लिए किसानों को अपने साथ बैंक डायरी की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और एक फोटो ले जानी होगी। गेहूं की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, OMSS के तहत गेहूं की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात अगर FCI की करें तो FCI से दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी में 3.41 लाख टन की बिक्री हुई थी। इसके बाद अब फरवरी के पहले हफ्ते में 88,000 टन से ज्यादा गेहूं की बिक्री हुई है। इससे पहले दिसंबर में भी FCI की तरफ से खुले बाजार में 4.25 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई थी। पहली अप्रैल से शुरू हुई रबी मार्केटिंग सीजन 2016-17 में फरवरी के पहले हफ्ते तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से करीब 41.34 लाख टन गेहूं की बिक्री हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक हुई कुल बिक्री में से 35.25 लाख टन गेहूं की खरीदारी निजी कंपनियों ने की है, जबकि राज्य सरकार ने 5.72 लाख टन गेहूं की खरीद की है और साथ ही 66,250 टन गेहूं की बिक्री डेडिकेटेड मूवमेंट के तहत भी हुई है। इज़मा की चीनी मिलों को दी गई चेतावनी के बावजूद देश में चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के भीतर ही चीनी की कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी आ चुकी है। रिटेल बाजार में तेजी के साथ साथ मुंबई में भी चीनी का थोक भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर चुका है। इज़मा ने इस साल के चीनी उत्पादन में कमी को देखते हुए सभी चीनी मिलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि सभी चीनी मिलें सट्टेबाजी से दूर रहें या सरकारी कार्यवाही से निपटने को तैयार रहें। इसके बावजूद भी
चीनी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बात अगर पिछले साल के उत्पादन की करें तो पिछले साल करीब 251 लाख टन चीनी हुई थी। वहीं अगर बात मौजूदा चीनी साल 2016-17 की करें तो 31 जनवरी तक 128.55 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में करीब 142.80 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। मौजूदा हालात देखते हुए इज्मा ने इस साल देश में चीनी का उत्पादन घटकर सिर्फ 213 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। राजधानी की मंडियों में अगले महीने से प्याज की थोक कीमत में वृद्धि हो सकती है। वृद्धि की मुख्य वजह राजस्थान और हरियाणा से लोकल प्याज की आवक में कमी है। राजस्थान और हरियाणा में प्याज की पुरानी फसल खेतों में लगभग खत्म होने के कागार पर है, जिसकी वजह से राजधानी की आजादपुर मंडी में प्याज की आवक पर असर देखा जा रहा है। 30 जनवरी को यहाँ प्याज की आवक 1375.5 टन थी, लेकिन 31 जनवरी को यह आंकड़ा गिरकर 675.7 टन पर पहुंच गया। उसके बाद 1 फरवरी को ये गिरावट 445.5 टन पर पहुंच गई है। मंडी में इन दिनों प्याज की आवक राजस्थान और हरियाणा से भी होती है। यहाँ की खेतों में लगी फसल लगभग खत्म हो गई है, जिस वजह से अगले कुछ दिनों में मंडी में यहाँ प्याज की आवक काफी कम रह सकती है। एक नज़र कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर डालें तो इस साल देश में प्याज का उत्पादन 197.13 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 209.31 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। दरअसल एक साल से देश में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। भाव कम होने की वजह से इस साल देश में किसानों ने प्याज की खेती को घटाया है, जिस वजह से उत्पादन में काफी कमी आ गई है। इस साल के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में करीब साल भर से प्याज की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से इस साल किसानों ने इसकी खेती घटा दी है, जिस वजह से देश में प्याज की पैदावार पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाख टन घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ऊर्जा विकास निगम ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। छोटा सा ब्रेक। अगली जानकारी पटना से है, जहां कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 79 कौशल विकास केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम को लेकर हर प्रखंड मुख्यालय में एक एक प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा युवा प्रशिक्षित होंगे। साथ ही अन्य 931 निजी संस्थानों में भी युवाओं को प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। 1 अक्टूबर 2016 से चालू हुई पिराई सीजन में 31 जनवरी 2017 तक चीनी उत्पादन में 14.25 लाख टन की कमी आकर कुल उत्पादन 128.55 लाख टन हुआ है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में 142.80 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस समय देश भर में केवल 334 चीनी मिलों में पिराई चल रही है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में 494 चीनी मिलों में पिराई चल रही थी। सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के साथ ही कर्नाटक में गन्ना कम होने के कारण चीनी मिलों में पिराई बंद होने लगी है। महाराष्ट्र में चालू पिराई सीजन में 31 जनवरी 2017 तक केवल 36.76 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल राज्य में इस समय तक 54.17 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका था। इस समय राज्य में केवल 58 चीनी मिलों में ही पिराई चल रही है। उधर कर्नाटक में भी चालू पिराई सीजन में अभी तक 20.25 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक राज्य में 26.92 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। राज्य में इस समय केवल 13 चीनी मिलों में पिराई चल रही है। एक नज़र उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन पर डालें तो चालू पिराई सीजन में 1 अक्टूबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक यहां 45.59 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 35.94 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां चालू पिराई सीजन में अभी तक 3.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक 2.66 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। और गुजरात की बात करें तो इस राज्य में 5.75 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक 6.99 लाख टन का उत्पादन हुआ था।
अन्य राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चालू पेराई सीजन में 3.50 लाख टन, बिहार में 3 लाख टन, उत्तराखंड में 1.73 लाख टन, पंजाब में 3 लाख टन और हरियाणा में 2.60 लाख टन और मध्य प्रदेश में भी 31 जनवरी 2017 तक 2.60 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड अब सीवेज शोधन के लिए जैविक तकनीक अपनाएगा। ये यमुना के प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल साबित होगी। अभी दिल्ली में रोजाना 700 MGD सीवेज उत्पन्न होता है, पर इन प्लांटों से केवल 400 MGD सीवेज ही शोधित हो पाता है। अभी 300 MGD सीवेज यमुना में प्रवाहित करना पड़ता है। अगर 5 MGD क्षमता वाले जैविक प्लांट लगाया जाता है तो बोर्ड को लगभग 60 प्लांट लगाने पड़ेंगे। यमुना के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो चुकी है, लेकिन शोधित पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने से ये जलीय जीव के सॉइल के लायक बन जाता है। STP सीवेज शोधन पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और बिजली की भी जरूरत होती है, जबकि जैविक तकनीक बिना बिजली के काम करता है और सस्ता भी है। तकनीक को दिल्ली जल बोर्ड भी राजधानी के विभिन्न हिस्सों में अपनाएगा। इस तकनीक में वर्तमान STP संयंत्रों की अपेक्षा 1/3 धनराशि ही खर्च होती है, हालांकि इसमें जमीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ऊर्जा विकास निगम ने किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसमें 3, 5 और 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप सब्सिडी पर दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में करीब 5000 पंप किसानों को दिए जाने हैं। इसमें से रायसेन जिले के करीब 100 किसानों को पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। निगम की ओर से इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर का करीब 4 लाख रुपए कीमत का पंप 90% सब्सिडी पर महज 40,000 रुपए में ही दिया जाएगा। हालांकि 5 हॉर्स पावर के पंप पर किसानों को 85% की सब्सिडी ही दी जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र कृषि विभाग के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ही जमा किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ ही 1,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा कराना होगा। शासन ने ये योजना किसानों के हित में शुरू की है। इसके साथ ही अब पंखा और ट्यूबलाइट भी सब्सिडी पर दी जा रही है। इसमें वारंटी भी दी जाती है। अगले सप्ताह से सोलर पंप के लिए आवेदन जमा होने शुरू हो जाएंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के कुछ चुने हुए ब्लॉक में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लघु लिफ्ट सिंचाई योजना को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य के सांसदों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित झारखंड भवन में एक सांसद कोषांग के गठन की भी स्वीकृति दी गई। अगली जानकारी पटना से है, जहां कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 79 कौशल विकास केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम को लेकर हर प्रखंड मुख्यालय में एक एक प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा युवा प्रशिक्षित होंगे। साथ ही अन्य 931 निजी संस्थानों में भी युवाओं को प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक श्रम संसाधन विभाग को कौशल प्रशिक्षण के लिए 1 लाख से ज्यादा युवाओं की सूची मिल गई है। मार्च के अंत तक दिसंबर में शुरू हुए पहले बैच में प्रशिक्षित युवाओं को भी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिलहाल एक बैच में 20 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप के बारे में। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम देश डायरी। छोटा सा ब्रेक। राशन की दुकानों के जरिए बिक्री किए जाने वाली चीनी के लिए राज्य सरकार को 18.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान करेगी और सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया है। संसद में पेश किए गए वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में सरकार ने PDS चीनी सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों को भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। आम लोगों को सरल और शीघ्र डिजिटल वित्तीय लेन देन के उद्देश्य से जारी किए गए भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप का नया संस्करण जारी कर दिया गया है, जिसमें उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़, गुजराती और मलयालम भाषाओं को शामिल करते हुए आधार से जुड़े बैंक खातों में धन हस्तांतरण की सुविधा दी गई है। इस ऐप का संचालन करने वाली कंपनी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NCPI ने कहा कि पिछले 30 दिसंबर को जारी इस ऐप में दूसरी बार नए फीचर्स जोड़े गए हैं। संस्करण में सुरक्षा फीचर्स को सशक्त बनाने के साथ ही डिजिटल लेन देन के अनुभव को बेहतर बनाया गया है। इसमें स्पैम रिपोर्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे उपयोगकर्ता अज्ञात लोगों की धनराशि की मांग को ब्लॉक कर सकेंगे। इसके साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत बनाया गया है। सरकार के देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मद्देनजर NCPI ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित ये ऐप जारी किया है और सभी बैंकों को इससे जुड़ने के लिए कहा गया है। दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम में कॉर्पोरेट जगत की भागीदारी बढ़ाना है। इस कार्यशाला में बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कॉर्पोरेटिव जगत की विभिन्न जानी मानी कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री UP सिंह ने कार्यशाला, गंगा संरक्षण के विभिन्न हितधारकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों यथा दूषित जल संयंत्र, जैविक विविधता और जन भागीदारी की परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रोजगार और युवाओं के बीच के फासलों को कम करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एक अच्छी पहल की है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने 8 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 34 ITI और 68 कौशल विकास केंद्र खोलने का फैसला किया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने राज्य के मुख्यमंत्री को कार्य में तेजी लाने के लिए पत्र लिखा है। इन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बिहार के 6 जिलों जमुई, गया, रोहतास, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद के विकास के लिए इनमें से हर एक जिले को एक ITI दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के कौशल विकास संस्थानों के विकास के लिए तेजी से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन इन 6 जिलों में से केवल जमुई के लिए ITI का कार्य शुरू हो पाया है। इस योजना के तहत कुल बजटीय मदद का 75% केंद्र सरकार की ओर से और बाकी का भाग राज्य सरकार की ओर से दिया जाना है। केंद्र की ओर से 4,171.68 लाख रुपए में से 2,676.47 लाख रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार इसका इस्तेमाल करने में विफल रही है, जिससे अगली धनराशि जारी करने में रुकावट आई है। आपको बता दें कि हाल ही में MSDE ने योजना में संशोधन करने का फैसला लिया है और 3 अन्य जिले मुजफ्फरपुर, बांका और नवादा को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नए जिलों में ITI बनवाने के लिए केंद्र सरकार को फंड जारी करने का प्रस्ताव पेश नहीं किया है। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से राशन की दुकानों के जरिए बिक्री किए जाने वाली चीनी के लिए राज्य सरकार को 18.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान करेगी और सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया है। संसद में पेश किए गए वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में सरकार ने PDS चीनी सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों को भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन 4500 करोड़ रुपए है। मौजूदा योजना के अनुसार राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी खुले बाजार से थोक दर से खरीदती है और उसे प्रति किलो 13.50 रुपए की सब्सिडी प्राप्त दर पर बेचती है। केंद्र सरकार राज्यों को 18.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देती है। बजट 2017-18 से जुड़ी एक ऐसी बात जो आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ये खबर आपके रोजगार के रास्ते खोल सकती है। रोजगार सृजन के संदर्भ में कौशल विकास पर जोर देते हुए पेश बजट में कौशल केंद्रों को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देश भर के 600 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई है। इस बजट में 4000 करोड़ रुपए की आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में वर्ष 2017
2017-18 का आम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देश भर के 600 जिलों में विस्तार करने की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि देश भर में 100 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे विदेशों में रोजगार की संभावना तलाश रहे युवाओं को भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की देश जारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ और आपको बताएंगे देश दुनिया से जुड़ी कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Mm-hmm.